आज से 32 वर्ष पहले जो लोग साइकिल चोरी करने का काम करते थे, जो लोग सड़कों पर राहजनी करते थे, उस तरह के लोग आज कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। इस सरकार में 75% मंत्री दागी है। इतिहास में पहली बार होता है कि एक वारंटी को मंत्री बनाया जाता है। सही स्थिति में यह कहूं कि माननीय जी आज के समय में एक रबर स्टैंड मुख्यमंत्री हो चुके हैं। एनडीए में टूट के बाद बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद बीजेपी लगातार जदयू और राजद पर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। कभी समस्तीपुर तो कभी पटना में संजय जायसवाल लगातार हमलावर बने हुए हैं। इस बार नीतीश कुमार पर पटना में हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि जब साइकिल चोर और वारंटी को मंत्री बनाया जा सकता है तो बिहार में कुछ भी संभव है। संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार रबर स्टंप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन्हें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो आदेश देते हैं वो उसे पूरा करते हैं। देखिए संजय जायसवाल क्या कुछ नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। आज पटना की जो स्थिति है वह एक कहें कि अकल्पनीय स्थिति कह सकते हैं। इतिहास में पहली बार होता है कि एक वारंटी को मंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री को खूब अच्छे से पता था कि वह वारंटी है, उसके बावजूद उन्होंने उसको मंत्री बनाया। सही स्थिति में यह कहूं कि माननीय जी आज के समय में एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और रबर स्टैंप को जैसे हाथ एक आदेश देता है कि यहाँ मोहर पड़ना है, तो वैसे ही मुख्यमंत्री ने मंत्री बनाया। फिर कल सुबह अचानक रबर स्टैंप जी को आदेश आया कि नहीं, इनको विधि के बदले गन्ना दिया जाए। तुरंत उन्होंने उसका पालन करते हुए विधि के बदले गन्ना विभाग दे दिया। रात में फिर आदेश आया कि नहीं, इनको अभी हटा दीजिए, तो उनको हटा दिया गया। आप सभी ने प्रिंट मीडिया में ही निकला है कि हमारे जो पूर्व गन्ना मंत्री थे, रात को सोते हैं गन्ना मंत्री रहते हैं, सुबह होता है तो विधि मंत्री हो जाते हैं। तो यह पूरी सरकार अव्यवस्था की सरकार हो गई है, और इसके कारण एक प्रशासन में भी पकड़ समाप्त हो चुका है। मैं आज सुबह समस्तीपुर गया था और वहाँ हमारे मंडल के प्रभारी की हत्या होती है, और उस हत्या में पूरे तौर पर पुलिस की संलिप्तता होती है। पहली बार मैं जाकर यह देखा कि हमारे सुरवीर सरकार जी की हत्या हुई, तो उसमें जो दिल कुमार भारती जी थे, जो थाना अध्यक्ष थे, उनको लाइन हाजिर किया जाता है, लेकिन लाइन हाजिर करके मुख्यालय नहीं बुलाया जाता, जानबूझकर खानपुर थाना में ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वह केस को मैनेज कर सके। उस परिवार पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि वह तीसरे दिन जा करके FIR होता है, जब हमारे सब प्रमुख लोग जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस परिवार में हत्या हुई है उस परिवार को सुरक्षा के नाम पर एक चौकीदार तक नहीं दिया जाता है। और यह हत्या इसलिए होती है क्योंकि उनका दामाद जो था उसने शराब के माफिया के खिलाफ बात कही थी। शराब माफिया जो था मोहम्मद दानिश, उसने उसके पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पत्थरबाजी किया, FIR हुआ। उस FIR से मोहम्मद दानिश को जेल जाने से बचाने के लिए थाना प्रभारी ने एक डॉक्टर बच्चे को, जो पावापुरी में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, उसके नाम से वारंट इशू किया, पुणे के इंजीनियर के नाम से, और झुका करके समझौता कराया। और तब तक सरकार हाथ से चली गई, तो इन लोगों को लगा कि यही मौका है और हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। इस पूरे खेल में केवल वह दानिश ही शामिल नहीं है, बल्कि वहाँ का थाना अध्यक्ष और सदर का DSP, तीनों ने मिलकर यह साजिश रच करके हत्या का अंजाम दिया। और हमने भी 8 तक का समय दिया है, अगर 8 सितंबर तक हथियारों को नहीं पकड़ा जाता है और पूरे कांड का उद्भेदन नहीं होता है, तो हम वहां पर भी आंदोलन करेंगे। इस सरकार में 75% मंत्री दागी हैं। अब घट करके एक मंत्री के हटने से 72% मंत्री दागी हो गए हैं।
यह सरकार का दुर्भाग्य है कि आज से 32 वर्ष पहले जो लोग साइकिल चोरी करने का काम करते थे, जो लोग सड़कों पर राहजनी करते थे, उस तरह के लोग आज कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। चूंकि वह 90 से 2005 के दशक में साइकिल चोरी बंद करके और माफिया का काम करने लगे, शराब माफिया बन गए। शराब में उन्होंने कितनी हत्याएं कराई उसकी भी गिनती नहीं है। और यह एक दिक्कत है कि आज के माननीय जो हमारे रबर स्टैंप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जीवन का एक ही सपना है कि वह लाल किले पे तिरंगा फहराएं, और उसके लिए बेचारे दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही बुलाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तीन बार बेचारा वह बांह खींचता है, कुर्ता खींचता है, तो भी नहीं बैठते हैं कि जहाँ पे भी प्रधानमंत्री शब्द सुन लेते हैं तो वो खड़े रहते हैं, बैठने की जहमत वो नहीं करते। आपने बड़ा आरोप लगाया साइकिल चोर आज मंत्री। बिल्कुल, आप इतिहास उठा के देख लीजिए इनका, यह बिल्कुल साफ है जिस तरह की घटनाएं घटती थी और जिस तरह का इनका इतिहास रहा है पटना से लेकर गया तक। उनके इतिहास की जांच कीजिए। इस तरह के तत्व, असामाजिक तत्व आज कैबिनेट मंत्री बने हैं, इससे शर्म की बात बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकती है। माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हमारे एक रूटीन कार्यक्रम के तहत है, यह कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। अभी आपने देखा कि हमने जगदीशपुर में एक बड़ा कार्यक्रम अप्रैल में किया था, जुलाई में एक बड़ा कार्यक्रम हमने पटना में किया था, और उसी के तहत एक बड़ा कार्यक्रम हम सीमांचल में कर रहे हैं। पर जाहिर बात है जब हमारे माननीय गृह मंत्री जो निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वह आएंगे तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिल करके, और सीमांचल क्षेत्र की जो समस्याएं होंगी उसमें जिन पर मुद्दों पर केंद्र सरकार अपना हस्तक्षेप कर सकती है वह निश्चित करने का काम करेंगे। क्योंकि कानून व्यवस्था से बिहार सरकार को मतलब तो रहा नहीं, अब बिहार सरकार के सीआईडी का एक ही काम रह गया है कि जब बिहार में आईबीआई अथवा सीबीआई आए तो उसकी रिपोर्टिंग करने का काम सीआईडी कर रही है। अपराधियों की रिपोर्टिंग करने के काम से बिहार के सीआईडी को मुक्त किया जा चुका है। देखा कि संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि बिहार की महागठबंधन की नई सरकार में 75% मंत्री दागी हैं। एक मंत्री के हटने से 72% मंत्री दागी हो गए हैं। यह सरकार का दुर्भाग्य है कि आज से 32 वर्ष पहले जो लोग साइकिल चोरी करते थे, जो लोग सड़कों पर राहजनी करते थे, उस तरह के लोग कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब संजय जायसवाल ने एक नया आरोप नीतीश सरकार पर लगाया है। उनका कहना है कि साइकिल चोर को नीतीश कुमार ने बिहार में मंत्री बना दिया है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।